गुड मॉर्निंग दोस्तों, दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करते कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है विक्की भारद्वाज। बारिश का माहौल देख ही आपने, सारे बारिश हुई पड़ी है रात को। ये चेयर हमारी बाहर ही रहती हैं, इनको कभी अंदर नहीं लेके जाते। रात को सामान वो देखो, कप ये वो यहीं पे टेबल लगा के ना, यहाँ पे वो लगा के बेड लगा के यहीं खाना खाया था। रात को बारिश आई, सब भाग गए अंदर, जल्दी जल्दी सब अंदर भाग गए। और क्या हुआ, ये सामान सारा का सारा यहीं पड़ा रहा। ये चेयर तो है ना, ये तो रहती बाहर सारा दिन, ये दिन हो दोपहर हो सारा ये बाहर ही रहती हैं। लेकिन वो रात को ना कॉफ़ी वाले मग जो है ना, वो भी यहीं पड़े हुए हैं। कॉफ़ी पी थी और वो यहीं पड़े हुए हैं। तो आप भी देख रहे हैं कि माहौल कैसा। आप लोगों को उधर बताना कि आप लोगों के कैसा चल रहा है, मतलब कि मौसम आपका कहाँ। हमारे तो यहाँ पे ठंडा हो गया पूरा, अभी भी फिर से बादल हुए पड़े हैं। ये देखो सारे बादल हुए पड़े हैं एकदम से जो है ना, मतलब कि पहले दोपहर में बड़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन एकदम से जो है ना बारिश आई है। और ये हमारे जो है ना संतरे के पेड़, ये देखो पीले पीले पड़ने शुरू हो गया। ये पता नहीं क्या हुआ है, ये इधर और एक वो, बड़े अच्छे चल रहे थे तो अभी पता नहीं क्या हुआ। और ये जो फ्रेम है ना, ये मेरी दुकान में वो जो बोर्ड लगे होते हैं ना, दुकान के बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, मैंने दुकान शिफ्ट की थी ना, तो वहाँ से क्या किया, ये बोले बोर्ड जो है ना उतार के मैं ले गया था, और वहाँ पे मैंने नए बोर्ड लगा लिए। ये फ्रेम यहाँ पे, अब इन फ्रेम का पता क्या करना, अब इनका फ्रेम का एक सोचा हुआ, यहाँ पर जो है ना शेड डालनी ऊपर से। ये वाली दीवार जो है ना, ये दीवार यहाँ तक ना बड़ी करके ना, यहाँ तक यहाँ से ऊपर से जैसे शेड डालनी है, और ये नीचे यहाँ पे मिट्टी डाल के ना, सारे यहाँ पे ये इस एरिया में मिट्टी डाल देनी है, और ये बनाना अपने कुत्ते के सोने के लिए। यहाँ पे पंखा लगा देंगे, यहाँ पे ऊपर से जब शेड डल जाएगी ना ऐसे, उसके नीचे एक पंखा लगा देंगे। पंखा लगाने के बाद क्या, कुत्ते के सोने का यहाँ पे इंतजाम कर देंगे गर्मियों में, क्योंकि कुत्ता जब अंदर सोता है ना उसको गर्मी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे क्या, मिट्टी जब नीचे डाल दी होगी ना, फिर मिट्टी में कुत्ते जो है ना आराम से सो जाते हैं। और ये देखो हमारी तोरियाँ की बेल लगी हुई है, ये देखो तोरियाँ जो है ना हर घर ने लगाई हुई हैं। ये देखो हमने लगाई हुई हैं, वो सामने उन्होंने लगाई हुई हैं, वो इधर वो देखो सामने उन्होंने लगाई हुई है, और वो उस साइड पर देखना, वो उस साइड पर उन्होंने लगाई हुई हैं। तो एक मिनट, ये ऑटो जा रहा ना, इस ऑटो को जाने देता हूँ पहले। जो स्कूल के बच्चे जाते हैं ना, उनका वो ऑटो आ रहा है उनको लेने के लिए। तो स्कूल के बच्चे जो है ना अभी जा रहे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तोरियाँ जो हर घर में लगाई हैं, सब घर की फेवरेट है। और ये हमारे अमरूद देखो, हाँ 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 क्या बात, अमरूद ही अमरूद देखो, कितने अमरूद लगे हुए हैं, है ना। देखो वो ऊपर बड़ा फल पड़ता, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना, एक वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि अमरूद जो है ना, अमरूद में ना फल बहुत पड़ता। और ये हमारा जो चूल्हा, ये देखो टूट गया हुआ, ये देखो इसके ऊपर ना खाना बनाते हैं हम कभी कभी। चूल्हे की रोटी जो है ना वो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू गैस की रोटी, जो जितने भी जो ये बीमारियाँ फैल रही हैं ना आज की डेट में। आप देखो पहले ज़माने में जो बीमारियाँ कम होती थी, अब ज़्यादा, उसका कारण क्या है कि हम लोग गैस की रोटी ज़्यादा खाते हैं। कुछ जो लोग क्या करते हैं, जो गैस इधर कच्ची रोटी होती है उतार के लेडीज़ का, उस दूसरी तरफ सेकने लग पड़ती हैं, उससे क्या वो डायरेक्ट कैंसर की बीमारी को जो है ना इन्विटेशन है, जो ऐसे करती हैं। तो इसलिए जो है ना चूल्हे की रोटी जो है ना वो खाया करो, वो अच्छी होती है। और ये बेल हमारी नीचे ये भी लटकने शुरू हो गया, बड़ी हो गया। मौसम का अपडेट दे दिया पूरा का पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ आंखों का हाल। आप मेरी आंखें देख रहे होंगे, आंखें जो है ना 98% जो ठीक हो गई है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि रड़क जो है ना इरिटेशन वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आज मैंने चश्मा उतार दिया, चश्मा नहीं पहना। क्योंकि जब मैं चश्मा पहनता था ना, मैंने कंटिन्यू चश्मा पहना, घर वालों सबकी आंखें जो है ना 3 दिन में ठीक हो गई, मेरी जो 6 दिन लगे अभी भी ठीक नहीं हो रही। क्यों, कारण क्या कि मैंने चश्मा पहना होता ना, चश्मा पहनने से क्या होता कि फिर जो आंखें जो है ना यहाँ पर चश्मा ऐसे अटका रहता, उससे क्या होता कि जो आंखें हैं सूज जाती हैं। ये वाली ना, ये वाली चीज़ बहुत सूज गई थी रात को ये वाली, इसलिए फिर मेरी वाइफ ने बोला कि इसको उतार दो चश्मे को, फिर मैंने चश्मा उतार दिया। तो अब क्या थोड़ी, अब इरीटेशन तो बहुत ज़्यादा, अभी खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर हल्की सी खारिश करूँगा ना समझो फिर वही हाल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पता क्या किया, इसमें एक हम आपको बताता हूँ कि इसमें डालना क्या, इसमें दो चीज़ें, एक ओफ्लोक्सासिन का आई ड्रॉप आता, ओफ्लोक्सासिन का आई ड्रॉप आता वो डालना, ओफ्लोक्सासिन की टैबलेट आती है वो खानी है, और साथ में ना वो मिल जाते हैं एप्लीकैम मिल जाते हैं क्लोरोमास्टिन के, जिसको बोलते हैं मूंगरा बोलते हैं ना छोटे छोटे, वो डालने, उससे वो सबसे बेस्ट है। उससे जब लेप सा लग जाता ना अंदर, तो फिर क्या आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, 2-3 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो उससे फिर आंखें जो है काफ़ी जो है ना ठीक हो जाती हैं, तो इसलिए आप जो है ना वो यूज़ करना, ठीक है। और ये 3 बाइक खड़ी हैं, मेरे वाली, बीच वाले भाई की, सबसे छोटे की। अब ये अपने अपने काम पे निकलेंगी, ये दोनों ये घर पे रहेगी क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ।
मैं कम से कम जो है ना एक हफ्ते से छुट्टी में चल रहा हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया, ना ही मैंने दुकान खोली है, ना ही मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा। हल्का सा ऐसे करके ना आंखें ऐसे भी करता हूँ ना, हल्का सा अगर हाथ लगा दूंगा ना, समझो कि वो फिर कहते हैं पंजाबी में कहते हैं रड़क पैनी शुरू हो जाती है, और जब फिर रड़क पड़ती है ना बड़ी बुरी तरह से इरिटेशन होती है, ऐसे लगता है कि जैसे आंखों में ना पानी डालते रहूं। अगर मैं काम पे जाऊंगा बार बार वहां पे पानी नहीं डाल सकता, अगर दुकान में जाऊंगा वहां बार बार पानी कहां से लगाऊं, हालांकि मेरी दुकान के सामने एक वो ना हैंडपम्प है, नलका है, वहां से मैं पानी डाल लेता हूं, लेकिन फिर भी क्या बार बार उठ के आना जाना क्योंकि दुकान में कोई ना कोई चला रहता, फिर क्या बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये इस साइड पे पुदीना, हाँ 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 पुदीना देखो कितना हुआ, ये पुदीना, वो बैंगन लगे हुए उस साइड पे, इस साइड पे, और ये इधर भिंडी, हाँ हाँ भिंडी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, ये रही भिंडी, ये देखो भिंडी कितनी बड़ी बड़ी हुई है ना, ये भिंडी है, वो उस साइड पे बैंगन लगे हुए हैं, वो उस साइड पे। तो मैं अभी तक नहाया नहीं, चलो पहले नहा नू लेता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको और कोशिश करता हूँ आपको रेगुलर व्लॉग देने की अब, ठीक है, मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। व्यूअर नहाने लगा था, उससे पहले ब्रश करना था, पता चला कि जो ब्रश मेरे वाला वो चीकू ने उठाकर कुत्ते के मुंह में दे दिया हुआ, अब एक ब्रश लेके आता हूँ नया, फिर उसको करता हूँ, वो देखो वो गिरा, ब्रश लेके आता हूँ, ब्रश करता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, वो घर के सामने दुकान है वहाँ से लाऊंगा, वो सामने दुकान है ना यहाँ से लाऊंगा, ये दुकान है सामने, ब्रश दे एक बी वाला दे दियो, बारह आंडे ना व्यूवर, ये रहा ओरल बी का ब्रश, ये देखो ये ओरल बी का ब्रश ले आया हूँ, ये देखो एक नया ब्रश जो है ना ये डिब्बी से निकाल कर हम जो ना इकट्ठे कैंटीन से ब्रश ला कर ला घर पे रखते हैं, तो इसने क्या किया, एक मेरा ब्रश जो है वो कुत्ते के मुंह में ठूस दिया था नीचे, मतलब वो कर दिया था फर्श के ऊपर खराब कर दिया था, और ये एक नया ब्रश जो है ना ये भी निकाल कर कुत्ते के मुँह में दे दिया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो इसलिए मुझे एक नया ब्रश लाना पड़ा, और अब ये नया ब्रश करता हूँ उसके बाद नहाता हूँ। A few moments later, लो जी व्यूवर नहा लिया, वेलकम बैक व्यूवर, व्यूवर नहा लिया, नहाने के बाद मैं बिल्कुल जो है ना दिमाग जो ना हल्का महसूस कर रहा हूँ, और जो ये वाली चीज होती है ना ये आई फ्लू से क्या होता है, जो ये कंजक्टिवाइटिस जो ज्यादा सीवियर हो जाता है ना, ये वाली चीज होती है ना ये वाली, ये बड़ी खिंचोती है, मतलब कि कह सकते हैं कि बड़ी खिंचन सी पड़ती है, कि दर्द बड़ी हो जाती है ये वाली चीज़, और ये यहाँ तक निकलती है पूरी ये कान के पीछे तक, तो इसलिए मैंने क्या किया ये नवरत्न तेल जो है ना ये नवरत्न तेल लगाया, तो अभी मेरे को थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा थोड़ी देर बाद, अभी ये आँख जो है ना ये बारी हो रही है हल्की हल्की फिर से बारी होनी शुरू हो गई है, अब थोड़ी देर के बाद जब ना इसमें मेडिसिन डालूंगा, मेडिसिन डालने के बाद फिर थोड़ा रिलैक्स होगा, उसके बाद जो है ना आराम से सो जाऊंगा, और आजकल जो है ना मेरा डेरा जो है ना ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा डेरा आजकल, बस ये बेड यहीं पे पड़ा रहता हूँ सारा दिन ए टू जेड, कहीं नहीं जाता बाहर अंदर, आए यहाँ पे पड़ा रहता हूँ, बस मेडिसिन डालता हूँ, कमरे की लाइट बंद करता हूँ और यहाँ पे सो जाता हूँ, कुछ नहीं करता मैं सारा दिन, क्योंकि जैसे मैं लाइट में जाता हूँ ना आंखें फिर भारी होने जाती है, और चश्मा पहनता हूँ तो फिर ये वाली चीज़ जो सूज जाती है, इसलिए यहीं पे बैठता हूँ, यहीं पे खाना वाना खाता हूँ, तो अभी मैंने खाना वाना खा लिया, तो अभी मैं तो यहीं पे बैठता हूँ, यहीं पे खाना वाना खाता हूँ और रिलैक्स करता हूँ, और वो देखो सामने वो मेरी बेल्ट ना वहाँ पर जो अटकाई है उसको खींच रहा वहाँ से, और ये देखो धक्के मारता उसको, दरवाजे को बंद करता फिर खोलता फिर दरवाजा, इधर आ ऊपर आ जा ऊपर आ जा ऊपर आ जा आ जा ऊपर आ जा आ ऊपर चढ़ाऊ आ जा अच्छा आ जा दोनों पापा इधर खेलते हैं ठीक है आ जा दोनों पापा इधर खेलते हैं, बस इसके साथ खेलता रहता हूँ यहाँ रूम में जब तक ये टिकता है, उसके बाद लाइट बंद करूँगा
और फिर चले जाता हूँ। सबसे पहले मैं रूम में करता हूँ, रूम फ्रेशनर मार लेता हूँ और देखना भी रोना शुरू कर देगा ये, रूम फ्रेशनर मारूंगा और रोना शुरू कर देगा। वो देखो डर के भाग रहा उधर। अभी इसका फेस देखना चिकू, अभी थोड़ा ना यूज टू हो गया ना थोड़े दिन से। पहले क्या रूम फ्रेशनर जैसे मारते थे ना तो वैसे ही रोना शुरू कर देता था। जैसे यहाँ से प्रेस करूंगा ना रूम फ्रेशनर यहाँ से ऊपर आएगा ना ये रोना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये ना थोड़ा डरता, अभी जो नई कुछ नई नई चीजें जो इसके साथ होती है ना तो उनको देख देख के डरता रहता है, क्योंकि बच्चा अभी जैसे जैसे यूज टू में आएगा ना, जैसे पहले क्या जैसे कि मतलब कि अगर खेलना था बाइक स्टार्ट होती थी उसको बाइक के साइलेंसर से डर जाता था, वैसे धीरे धीरे तो यूज टू हो जाता। और ये ना एक ना कागज बड़े खाने शुरू कर दी हूँ इसको। अब इसको ना इंजेक्शन लगवाने हैं, मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया था, इसकी भी कंजक्टिवाइटिस हुआ था ना, इसकी भी आंखें खराब हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास इसको लेके गया था। डॉक्टर ने बोला कि इसको पहले ना इसकी आंखें ठीक हो जाए उसके बाद इसको इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि ये है ना शायद कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी हो गई है इसमें, या कैल्शियम में थोड़ी ना कमी हो गई है उस वजह से ना ये कागज खाता है। ये देखो अभी भी कागज खा रहा है। ये क्या कर रहा है, कागज क्यों खा रहा है, बड़े कागज खाता है। तो अभी ये ना इसको इंजेक्शन लगवाने हैं। व्यूअर अभी टाइम हो गया दोपहर के खाने का, और खाने में मूंगी की दाल, चावल और ये नींबू। नींबू मैं ज़्यादातर ना दोपहर के खाने में ना निचोड़ लेता हूँ जब मैं घर पे हूँ तब, क्योंकि नींबू जो है ना खून को पतला करता है इसलिए। तो ये निचोड़ लिया मैंने नींबू एक इधर, अब इसको खाता हूँ। ये ऊपर प्याज हाथ से, बड़े लेवल के बने हैं। व्यूअर खाते तो आओ, मोस्ट वेलकम है, नहीं तो मैं तो खा रहा हूँ। इसे एक हफ्ते में कोई काम नहीं किया, खाना खाया रूम में घुस गया, खाना खाया रूम में घुस गया, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। बाहर धूप देखो कितनी आई है, तो मैं यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ। इस धूप से बचने के लिए ना मैं अंदर घुसा रहता हूँ, क्योंकि जितनी जो है ना आंख में रोशनी पड़ती है ना उतना काम खराब होता है। व्यूअर अभी टाइम हो चुका शाम के 5:15 का, और मैंने ये मरूद जो लगे हुए थे ना यहाँ से तोड़े हैं, ये इसमें डाला नींबू और वो क्या कहते हैं उसको काला नमक, और ये अभी मरूद खा रहा हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल कम खाता हूँ क्योंकि पथरी है ये रहे। ये देखो नींबू निचोड़ा वो साथ में। हाँ ले, ये नहीं खाता, घर वालों को देता हूँ। खाला, और ये छोटा भाई अभी जा रहा है जिम में, क्योंकि हमारा खुद का जिम भी है ना, तो अभी ये जिम खोलने के लिए जा रहा है। ये अभी जिम खोलने के जा रहा, और ये आएगा शाम को लगभग 8:30-9 बजे। अभी इसका काम ठीक है, सारा दिन वेले रहना और शाम को जाके जिम खोलना और मज़े से उस वहाँ बैठे रहना, बाकी काम करते रहते हैं लोग, इसका मज़े आ रहा काम। 1 पीस और खा लेता हूँ। ये देखो मरूद ना हमारे घर में कह रहे हैं पंजाबी घर रोलते पे हूँ। ये देखो फिर खाते तो आओ, मुश्किल का नहीं तो मैं तो खा रहा हूँ। ये देख मां पीने पीला पीला, ये देख पूरी बोतल व्यूअर पी गया, पूरी की बोतल पूरी। ये देख मज़े थोड़ा वहां करा दिया, वहां पे थोड़ा ये पी रहा। वो दे वो मम्मा, मम्मा और दादी ना आंटी को अमरूद तोड़ के दे रहे। वो देख ये व्यूअर जितने अमरूद है ना मतलब नीचे गिर रहे हैं, इतने खाए तो जाते नहीं हमसे। अब ये क्या मम्मी जो है ना तोड़कर वो आंटी को दे देगी, वो दूध वाली आंटी, हम उससे दूध लेते हैं ना तो उनको तोड़ के दे देगी मम्मी, अब बस लिफाफा भर देगी। वो देख वो देख वो मम्मा क्या कर रही है, दादी क्या कर रही है, दादी अमरूद तोड़ के दे रही है। वो देख
तेरे को क्या है? सारे तूने खा रहे हैं? इतने थोड़ी खाते हैं, ये मना कर रहा नहीं दौड़ के देने। देख तू खाने है? ओए ओए देख गुच्छा आ रहा। ओ मम्मी ऊपर ली टाणी दे जे। ओ ऊपर आ जड़ा ए ओ आंटी ने फड़या जड़ा अड़ी ओ लेफ्ट खब्बे बने। हां आ जड़ा ठीक व्यूअर अभी टाइम हो चुका है रात के 8:30 बजे का खाना खाने का, और ये हमारा खाना खाने का निज़ाम आजकल यहीं पे बाहर। ये है खाना। हाँ 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 ये क्या है? दही पकौड़ियाँ, प्याज, मूंगी की दाल, रोटियाँ सब। बस यहीं बैठ के हम खाना खाते हैं रात को। यहाँ पे इधर फराटा लगा हुआ है, इधर सारे जाने बैठ के खाना खाते हैं यहाँ पे। बस यहीं बैठ के खाना खाएंगे क्योंकि बाहर का मौसम जो है ना वो ठंडा होता है ना, और ये गुगलू भी साथ में। बस यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं, खाना खा के फिर हम थोड़ी देर सैर करके सो जाते हैं। रात का टाइम होता ना तो अंदर बैठ के खाना खाना ना गर्मी बड़ी हो जाती है। पहले हम यहाँ नीचे बैठ के खाते थे तो आज दही पकौड़ियाँ कैसे की? कोलियां दही पकौड़ियाँ आ मिर्चा झसिया ने आ जड़िया A few moments later. लो जी व्यूअर खाना खा लिया, मंजा पूरा हो गया खाली। वो देखो बर्तन उठा के अंदर रख दिए, खाना खा लिया। बस अब इस बेड़े में सैर करेंगे 5 मिनट, उसके बाद सो जाएंगे। बस यही है दिनचर्या। कहते पंजाबी में कहते हैं ना मुल्ले दी दौड़ मसीता तक, वो हिसाब है साडा। सुबह उठे जब से घर थे आंखें खराब थी, सुबह उठे खाया ये वो किया वो किया, आपके साथ पूरी रूटीन शेयर कर दिया आज। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना शेयर करना। आज तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।